हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रिव्यू क्लासेस, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे प्रीवियस लेक्चर से, हम उनको जो है वो डिटेल्ड यहाँ पे सिंपल वे से जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमें जो है वो सिंपली बताएं कि क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर हमें सिंपली जो है वो ये बताएं कि क्लासिकल और क्वांटम में जो है वो मेजर डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर एक साइड पर जो है वो लिख रहा हूँ क्लासिकल फिज़िक्स, ठीक है, और दूसरी साइड पर जो है वो लिख रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले भी मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर इसको जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, तो मैं जो है वो इसके जो पास्टूलेट्स है वो लिख देता हूँ, आप इनको जो है वो फिर नोट कर लें। क्लासिकल फिज़िक्स जो होता है वो होता है हमारी ओल्ड फिज़िक्स, ठीक है। जितनी भी हमारी ओल्ड फिज़िक्स है बिफोर दी 19th सेंचुरी से पहले हमारी जितनी भी फिज़िक्स है वो क्या है, क्लासिकल फिज़िक्स है, ठीक है। और क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो क्या हैं, कम्प्लीटली फॉलो अप होते हैं या उनको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जिसमें आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ आ गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, और न्यूटन जो है वो सेकंड लॉ आ गया, वो इसी तरीके से ही न्यूटन जो है वो थर्ड लॉ आ गया, ठीक है। उसके अलावा क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर हम जो होती हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैक्रो ऑब्जेक्ट जिनकी साइज़ जो होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, मैक्रो मींस लार्ज, ठीक है। और क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वेरी स्लो होती है, क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर, ठीक है। तो क्लासिकल फिज़िक्स हमारी जितनी भी पुरानी फिज़िक्स थी वो उसको हम जो है वो कैटेगराइज़ करते हैं क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर। उसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री के अंदर और फिज़िक्स के अंदर वर्ड पढ़ते हैं क्वांटा, क्वांटा मीन्स होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ये चीज़ जहन के अंदर रखें कि जितनी भी हमारी न्यू फिज़िक्स है वो हम जो है वो पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, या जितने भी हमारे माइक्रो पार्टिकल्स की जो स्टडी होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, माइक्रो मीन्स स्मॉल टीनी, जैसे आपकी स्टडी हो गई इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की स्टडी हो गई और स्टडी हो गई न्यूट्रॉन की, ये हम जो है वो स्टडी करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये तीन पार्टिकल्स हों, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कहा जाता है कि अबाउट 110 प्लस क्या हैं, पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जितनी भी स्टडी है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करवाते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी चेंज हो रही हैं, ठीक है, वो होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं इनको हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, और इनका जो मास होता है, मास वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है, प्रोटॉन का कितना है और न्यूट्रॉन का कितना है, इनके मासेस बहुत ही जो है वो कम है, लेकिन अगर हम अर्थ के मास की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम अर्थ के हवाले से बात कर रहे हैं कि अर्थ की स्पीड कितनी है और अर्थ का जो है वो ज़मीन से फासला कितना है,
ठीक है, अर्थ का चांद से फासला कितना है वो आप क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टिकल आपका लोअर न्यूक्लियस से हायर न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जीज को क्या करता है, बाउंस बैक करता है, या एनर्जी को गेन करता है या लॉस करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर यूनिट और मैग्नीट्यूड में हमें डिफरेंस बताएं, यूनिट और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बताएं। तो ये आप मैट्रिक में पहले ही जो है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ कि यूनिट और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जहन में रखें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ये दो पार्ट्स होते हैं। क्या आपकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट होती हैं इन दो सेगमेंट्स के अंदर। उसका एक सेगमेंट होता है आपका, सपोज कर लीजिए मैग्नीट्यूड, और इसका दूसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है यूनिट। ठीक है, यूनिट बताता है आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की नेचर, फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है ये आपको बताता है यूनिट, के वो डिस्टेंस है, वो टाइम है, जो है वो क्या है। ठीक है, लेंथ से रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जो है वो 7 kg। तो 7 is the number, ये नंबर जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो 7 को आप कहेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसको आप जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट के साथ। ठीक है, 7 kg, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो किसी मास के हवाले से बात कर रहे हैं, समथिंग इज मेजर्ड रिलेटेड टू द मास। ठीक है, 7 kg, ठीक है, तो kg आपका जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मास। अगर हम यहाँ पे 7 सेकंड लिखें, ठीक है, तो ये फिर रिलेट हो जाएगा टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। ये नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपका यूनिट हमेशा उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस क्वांटिटी को जो है वो मेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमें सिंपली बताएं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बताएं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में एक्चुअली जो है वो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके अंदर ये समझ लीजिए, मैं एक साइड पर लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी साइड पे लिखता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और वो एक्सटर्नली जो है वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टडी, आपकी जितनी भी एक्सटर्नल स्टडीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप पढ़ते हैं किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, मैटर प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। और इसकी जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है फिजिकल प्रॉपर्टी की वो ये है कि जो चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जा रही हैं 5 senses के थ्रू, ऑब्जर्व थ्रू द 5 senses। अब आपको पता है कि थ्रू 5 senses, आपको पता है कि सेंसेस कितने हैं हमारे पास, 5 senses हैं। सपोज कर लीजिए स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, ठीक है, ये आपके क्या हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, सेंस ऑफ साइट, ये हमारे 5 senses हैं। तो इनके थ्रू आप जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो आपकी आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। सपोज कर लीजिए ये आपका बोर्ड है, इसका कलर जो है वो एक्सटर्नल वो क्या है, वाइट है, और यहाँ पे जो है वो इसके नीचे का है आयरन की एक स्लेब लगी हुई है, ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो है वो इसकी कंपोजिशन क्या है,
ये कौन से मैटर का जो है वो बना हुआ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? अगर सॉलिड है तो फिर इसका फार्मूला क्या है, इसकी कंपोजिशन किस तरीके से होगी? तो ये होगा केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी चीज़ को जस्ट एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से जज करते हैं तो वो आपकी हो जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी जज अगर आप किसी भी मैटर की कंपोजिशन के हवाले से पढ़ें, उसका फार्मूला क्या है, तो वो आपकी हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं तो आप जो भी लेक्चर सुनते हैं और अगर आप उसको आपको जो है वो कोई बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो लाजमी करें और क्वेश्चन जो है वो पूछें ताकि हमें हम उसका आपको आंसर जो है वो दे सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, के सर हम डायमेंशंस क्यों निकालते हैं, वाई वी यूज द डायमेंशंस, वाई वी यूज द डायमेंशंस, हम जो है वो डायमेंशंस क्यों निकालते हैं, हम डायमेंशंस क्यों निकालते हैं? अब ये समझ लीजिए कि डायमेंशंस एक्चुअली आप किसी भी क्वांटिटी का जब निकालते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उसका जो फंडामेंटल रूट है वो क्या है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपकी एक फैमिली बैकग्राउंड है तो हमें पता चलता है कि ये बंदा किस फैमिली से है, फिर उसके जो है वो फादर का हम पता लगाते हैं, फिर उसके ग्रैंडफादर का पता लगाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये इस फ्लोर जो है फैमिली से बिलोंग करता है। तो डायमेंशन की जो है वो भी यही प्रॉपर्टी है। एक्चुअली डायमेंशन हमें क्या बताता है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये हमें बताता है द नेचर ऑफ द क्वान्टिटी। ठीक है, कि क्वांटिटी की नेचर क्या है एंड व्हाट इज इट्स फंडामेंटल यूनिट, और इसका जो फंडामेंटल यूनिट है मींस ये फंडामेंटल कौन से यूनिट के साथ रिलेटेड है, ये हमें किस चीज़ के अंदर पता चलता है, डायमेंशन के अंदर। तो उस दिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दिया था डायमेंशंस का। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मीटर है और अपान में सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर क्या है, रिलेटेड है लेंथ के साथ, और जो सेकंड है ये रिलेटेड है टाइम के साथ। अगर हम इसका डायमेंशन निकालें तो हो जाएगा एल ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस एल ओवर टी स्क्वायर से हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है जो एक्सीलरेशन इज रिलेटेड टू लेंथ एंड टाइम। इससे हमें ये पता चला कि एक्सीलरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है या जो उसका ताल्लुक है वो दो चीज़ों से है, एक लेंथ से, दूसरा टाइम से। ठीक है, लेकिन हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए हम फोर्स को लेते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, आपको पता है, आपने मैटर के अंदर इसको स्टडी किया है। ठीक है, तो इसका अगर हम यूनिट निकालें तो मास का होता है केजी, और एक्सीलरेशन का हमने यहाँ पे निकाला, उसको मैं एक मरतबा यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा, अब यहाँ पे केजी क्या है, दैट इज़ मास, तो यहाँ पे आप इसकी साइन क्या यूज़ करेंगे, एम, यहाँ पे ये जो है मीटर है, ठीक है ना, ये मास नहीं है, तो यहाँ पे आप एल लिखेंगे, ओवर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम एल, और ये टी ऊपर की तरफ जाएगा तो टी माइनस टू। इस फार्मूला से हमें यह पता चल रहा है कि फोर्स इज रिलेटेड टू मास, लेंथ एंड टू टाइम्स ऑफ द टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम। इससे हमें यह पता चला कि फोर्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स फोर्स को स्टडी करने के लिए हमें तीन चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो हमें मास को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, एक तो हमें जो है वो डिस्टेंस या लेंथ को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, और जो है हमें टाइम को स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब है फोर्स आपका तीन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आज का जो है वो सेशन क्लास यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स जो है वो आगे जा रहे हैं, तो आप नीचे जो है वो कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई डिफ़िकल्टी है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।